हेलो नमस्ते। आज मैं आपके सम्मुख बिहारी सतसई से कुछ दोहे व्याख्या की दृष्टि से आप लेकर के प्रस्तुत हूँ। इससे पहले भी वीडियो में मैंने कुछ दोहों की व्याख्या प्रस्तुत की थी। आशा है कि आप कुछ समझ पाए होंगे और जो शेष दोहे रह गए वो आज मैं लेकर के हाजिर हूँ। लीजिए, पहला दोहा है, ध्यान से सुनिए और उसको समझिए। क्या कह रहे हैं यार जी, देखिए दोहे में कह रहे हैं कवि। भूषण भारी संभारी है जो इहतन सुकुमार, सूधे पायन धर परे शोभा ही के भार। भूषण का अर्थ यहाँ अलंकार है, गहना है। ही यानी इसके ऊपर, धर का मतलब धरती से है, तन यानी शरीर से है, सुकुमार यानी सुकुमारी है, कोमलता से है, सूधे यानी सीधे तरीके से, पाए यानी पाँव, शोभा यानी सुंदरता की विशिष्टता, सौंदर्य इत्यादि अर्थ लिया जा सकता है। इस ये दोहा बिहारी सतसई से लिया गया है। इस दोहे में नायिका के श्रृंगार रस का, इस दोहे में कवि ने श्रृंगार रस का चित्रण किया गया है और नायिका ने जो आभूषण धारण कर रखे हैं और उन आभूषणों के धारण करने से नायिका के पांव जो है इतने बोझ से दब गए हैं कि उसके पांव ठीक से उठ नहीं पा रहे हैं। इसी सौंदर्य का चित्रण करते हुए यहाँ कह रहे हैं कि यह ऐसी स्थिति में नायिका को देखकर उसकी सखी कहती है, उसका जो सुंदर और सुकुमार शरीर है आभूषणों के भार से पूरी तरह लदा हुआ है, जिसके कारण आभूषणों का बोझ ज़्यादा हो गया है और वह चल पाने में भी ठीक से सक्षम नहीं है। भला वो कैसे चलेगी धरती पर, उसके पांव तो सीधे भी नहीं पड़ रहे हैं, वो कैसे अपने गंतव्य तक पहुंच पाएगी। इसका दूसरा अर्थ भी लिया जा सकता है, दूती का कथन कह सकते हैं इसको अपन। नायिका अपने प्रिय से अभिसार करने के लिए शीघ्रता से चलना चाहती है, परंतु उसने बहुत अधिक आभूषणों से श्रृंगार कर रखा है। यद्यपि उस नायिका को श्रृंगार करने की इतनी अधिक आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह पहले से सुकुमार और सौंदर्य से परिपूर्ण है, उसका एक एक अंग सुंदर है। फिर भी उसने आभूषणों का मोह छोड़ा नहीं और अत्यधिक आभूषण धारण करने से सुकोमल शरीर के ऊपर बहुत अधिक आभूषणों का बोझ बढ़ गया है, जिसके कारण वह ठीक से अभी नहीं चल पा रही है और उसके पांव धरती पर सीधे नहीं पड़ रहे हैं। यही बिहारी जी दोहे में कहना चाहते हैं कि नायिका अपने आप में बहुत अधिक सुंदर है, फिर भी उसको अधिक आभूषण धारण करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु अधिक आभूषण धारण करने के कारण वो अपने गंतव्य के कारण पर पहुंच पाने में ठीक से सक्षम नहीं है, वो उसके पांव डगमगा रहे हैं, उसको उसके कारण और अधिक देरी हो रही है। और अगर भाषा की दृष्टि से इस दोहे को देखें तो नायिका के सुकुमारी की प्रशंसा की गई है और इसमें यह भी अर्थ निकलता है कि सुंदर कविता की आत्मा रस ध्वनि है। अलंकारों को बहुत अधिक प्रयोग करने से कविता का सौंदर्य दब जाता है, जैसे केशव जी ने किया, वहाँ कविता का जो भाव पक्ष है दब गया है। बिहारी भी यही कहना चाहते हैं कि अत्यधिक अलंकारों का प्रयोग कविता की आत्मा को दबा देता है। इस छंद में काकू वक्रोक्ति एवं कावेलिंग अलंकार का प्रयुक्त हुआ है। शेष अगला दोहा देखिए क्या कह रहे हैं कवि। कीने हु कोटिक जतन अब कही काढ़े कौन, भोमन मोहन रूप मिली पानी मैं को लोनो। कीने हु कोटिक जतन अब कही काढ़े कौनो, भोमन मोहन रूप मिली पानी मैं को लोनो। कीने हु का मतलब कोई कितना भी कर ले, कोटि यानी करोड़ों, जतन का मतलब यत्न प्रयास। अब कहीं अब कोई भी कैसे भी, काढ़े यानी निकाल नहीं सकता है, निकालने का प्रयास करे। भो मोहन, भो यानी मेरा मन जो है मोहन के रूप में मिल गया है, ठीक इसी प्रकार जैसे पानी में नमक मिल जाता है। तो इस दोहे में बिहारी जी ने नायिका के प्रेम भक्ति का या प्रेमाशक्ति और उसकी तन्मयता का चित्रण किया है, नायिका का जो मन है वो नायक से मिल गया है और इस प्रकार मिल गया है जैसे नमक में पानी। देखिए क्या कह रहे हैं कवि।
राधा अथवा सखी या दूती से कहती है नायिका कि हे सखी, हे दूती, तू कहती है मैं उसको भूल जाऊँ, ये मेरे लिए भूल पाना संभव नहीं है, क्योंकि मेरा मन तो मोहन के रूप सौंदर्य में उसी प्रकार मिल गया है जिस प्रकार नमक पानी में मिल जाने पर घुल जाता है, विलीन हो जाता है। अब उस कोई कोई कितने भी उपाय कर ले, करोड़ों प्रयत्न कर ले, पर उससे जल से उस नमक को कभी अलग नहीं किया जा सकता। ठीक ऐसा ही मेरा भी मन है जो कृष्ण के रूप लावण्य रूपी मानसरोवर में मिल गया है, और एक पल के लिए भी उस मानसरोवर के रूप सौंदर्य से मेरे मन को कोई प्रयास करने पर भी अलग नहीं कर सकता है। ये सखी, आप बता तो मैं उनको कैसे भूलूँ, वो तो मेरे मन में या मैं उन मेरा मन तो उनके रूप सौंदर्य में पूरी तरह आसक्त हो गया है, अभी तो वही मेरे जीवन और प्राणाधार है। कहने का भाव है कि नायिका के रूप नायिका का नायक के प्रति अत्यधिक प्रेम और एकाकार भाव व्यक्त हुआ है। इस छंद की जो भाषा है वो इस छंद में मन में श्लेष वाकु वक्रोक्ति मिलित एवं दृष्टांत अलंकार व्यक्त हुए हैं। और दूसरी बात इसकी विशेष ये है कि मन रूपी मानसरोवर में नमक मिल जाने से वह घुल मिलकर एकाकार हो जाता है, उसको अलग नहीं कर सकता। इस उक्ति का, इस रूपक का प्रयोग कवि ने बड़े सुंदर तरीके से किया है, और नमक का पानी में घुल जाने का उदाहरण देकर नायिका ये बताना चाहती है कि उसका जो मन है वो मोहन के रूप सौंदर्य में एकाकार हो गया है। अब कोई कितने भी प्रयास कर ले, उसका मन मोहन के प्रेम से अलग नहीं हो सकता है, किसी भी तरीके से उसको अलग नहीं किया जा सकता है। शेष अगला दुआ देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग तो उजलू होई। बिहारी जी का दुआ है, अनुराग का मतलब प्रेम से परिपूर्ण है, बूढ़े का मतलब डूबना है। ये दुआ जो है बिहारी सत्य से लिया गया है। इसमें कवि ने अपनी प्रभु के प्रति अनन्य भक्ति भावना प्रकट की है, और कृष्ण की उपासना पर कवि ने बल दिया है। कई बार बिहारी अपनी भक्ति उपासना के बारे में कहते हैं कि इस अनुरागी पूर्ण हृदय की गति को कोई समझ नहीं सकता, न कोई जान सकता है। यानी मेरे मन में जो प्रभु के प्रति अनुराग हुआ है और उसका जो प्रभाव पड़ा है उसको कोई समझ नहीं सकता है। कैसे उदाहरण देकर कह रहे हैं, जैसे जैसे श्याम रंग में डूबता है वैसे वैसे अधिक उज्ज्वल हो जाता है। यानी मेरा मन ये है कि जैसे जैसे कृष्ण के रंग में, कृष्ण जो कि सांवले रंग के हैं, उनके सांवले रंग में डूबता है तो मेरा मन अधिक पवित्र हो जाता है। अर्थात काले रंग में डूबने पर वस्तु काली होगी, परंतु मेरा मन तो अद्भुत है, ऐसा अनुरागी है कि बड़ी विचित्र बात है कि श्याम रूपी काले रंग में डूबकर भी अधिक पवित्र बन जाता है। ये मेरे मन की बड़ी अद्भुत और अद्वितीय बात है। ये उसकी एक विशेषता है कि काले रंग में डूबकर भी वो सफ़ेद होता है। भाव कहने का यह है कि काला रंग का मतलब यहाँ श्याम यानी कृष्ण जो सांवले रंग के माने गए हैं, उनकी भक्ति में अगर मन डूबता है तो व्यक्ति के मन की द्वेष विकार और ईर्ष्या द्वेष इस तरह की जो गंदगियाँ वो दूर हो जाती हैं, मन उज्ज्वल होता जाता है, पवित्र हो जाता है। यही हम कभी कहना चाहते हैं कि मेरा मन भी कृष्ण की भक्ति में डूबकर पवित्र हो गया है। द्वहे की जो विशेष बातें हैं भाषा सौंदर्य की दृष्टि से अगर देखें तो यहाँ कवि ने बूढ़े शब्द से यह संकेत दिया है कि मन तब तक शुद्ध नहीं होता जब तक वह अपना अहम छोड़कर अपने आराध्य में एकाकार नहीं होता है। अतः जरूरी है कि अपना अहम छोड़ करके प्रभु के प्रति हमारा मन एकाकार हो जाए और उसमें पूरी तरह लीन हो जाए। इस दोहे में श्लेष अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश है और विरोधाभास अलंकार के दोहे में आए हैं, और बहुत सुंदर दोहा भक्ति परक दोहा है। कृष्ण की भक्ति की विशेषता इसमें बताई गई है। अगला दोहा देखिए क्या कह रहे हैं कवि, जत्पि सुंदर सुघर पुनि सगुनो दीपक दे,
तौ प्रकाशी करेतियो भरिये जिते स्नेह। जदपि सुंदर सुघर पुनि सगुनो दीपक देह, तौ प्रकाशी करेतियो भरियो जिते स्नेह। सुघर का अर्थ सुघर है, यानी अच्छी गढ़न वाला, जिसको ठीक तरह से गढ़ा गया है। सगुनों का अर्थ गुणों से युक्त है, यानी गुणों से परिपूर्ण हो। और स्नेह का मतलब स्नेह है, यानी प्रेम है और तेल है। ये दोहा पहले की तरह बताता हूँ कि बिहारी सत्संग से लिया गया है, और इसमें कोई दूति माननीय नायिका को नायक से स्नेह व्यवहार करने के लिए समझाती है। माननीय नायिका वो है जिसने अपने प्रिय से मान किया है, और वो चाहती है कि प्रिय उसको मनाए और उससे प्रेम करे। तो यहाँ सखी किस तरह से उसको प्रेम व्यवहार करने के लिए कहती है, देखिए। कहती है सखी या दूती नायिका से कहती है कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा रूप शरीर रूपी दीपक अनेक गुण रूपी बत्ती से युक्त है, फिर भी स्नेह रूपी तेल के बिना प्रकाश नहीं हो करेगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है, हे सखी तुम बहुत सुंदर हो, और तुम में तुम्हारे सौंदर्य रूपी दीपक में अनेक प्रकार के गुणों से युक्त बत्तियाँ हैं, परंतु वो बत्तियाँ जब ही जलेंगे जब उनमें प्रेम होगा। प्रेम का तेल जब तक दीपक में नहीं डलेगा, बाती चाहे कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी हो, बाती प्रकाशित नहीं होगी, जलेगी नहीं। इसलिए अपने रूप लावण से देह से जितना प्रेम व्यक्त किया जाएगा, उतना ही उसका आकर्षण रूपी प्रकाश फैलेगा। इसलिए हे सखी मेरा तो यही मानना है कि तू कृष्ण से प्रेम कर, और जितना अधिक प्रेम करेगी और तुम्हारा रूप लावण्य रूपी और गुणों की जो बत्ती है और अधिक प्रकाशित होगी। इस दोहे में जो स्पष्ट रूप से बताया गया है कि नायक को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए शारीरिक सौंदर्य ही पर्याप्त नहीं होता है, अपितु उसके लिए प्रेम व्यवहार भी आवश्यक है। मतलब ये है कि अगर नायक को अपनी ओर आकर्षित करना है, नायक किसी कारण से थोड़ा बहुत भी नाराज है, तो उसको मनाने के लिए ज़रूरी है कि उससे प्रेम किया जाए। एकमात्र शारीरिक सौंदर्य ही सब कुछ नहीं होता है, हमारा व्यवहार भी बहुत कुछ काम करता है। इसलिए हमारा व्यवहार प्रेमपूर्ण होना चाहिए। इस दोहे में 600 रूपक अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। तो अगला दोहा देखिए। कहा कहो वा की दशा हरि प्राणनु के ईश, विरह ज्वाल जरीबो लखे मरिबो भई आशीष। कहा कहो वा की दशा हरि प्राणनु के ईश, विरह ज्वाल जरीबो लखे मरिबो भई आशीष। ईश का अर्थ यहाँ स्वामी से है, और ज्वाल का अर्थ ज्वाला से है, और जरीबो का अर्थ जलती हुई से, और आशीष का मतलब आशीर्वाद से है। दोहा ये बिहारी सत्संग से संकलित लिया गया है, और नायिका की सखी नायक के पास जाकर उसकी विरह व्यथा के बारे में बताती है, और चित्रण करते हुए क्या कहती है देखिए। कवि कहते हैं कि नायक के पास जाकर नायिका की विरह व्यथा का वर्णन करते हुए नायिका या सखी कहती है नायक से कि हे प्राणों के स्वामी, उस नायिका की दशा बड़ी खराब है, मैं उसकी दशा का वर्णन कैसे करूं, क्योंकि उसकी दशा का वर्णन शब्दों के जरिए संभव नहीं है। फिर भी आप उसे इस प्रकार समझें कि विरह की ज्वाला में जलती हुई देखकर ऐसा लगता है कि मरना ही उसके लिए आशीर्वाद हो गया, अर्थात उसका जीना अब और अधिक कष्टमय दुखमय हो गया है। अब तो अगर वो मर जाए तो उसके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। विरह की दशा में बहुत व्याकुल स्थिति नायिका की हो गई है, और जब बहुत अधिक व्याकुल और दुखी और परेशान आदमी होता है, ऐसी स्थिति में मरण को ही वो आशीर्वाद मानता है। यहाँ नायिका की विरह अवस्था का चित्रण कवि ने बहुत सुंदर तरीके से किया है, और भाषा सौंदर्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो पहली बात तो यही है कि नायिका की विरह दशा का अतिशय चित्रण किया है, और दूसरी बात यह है कि सामान्य व्यवहार की बात यही है कि जब किसी रोगी की अंतिम दशा आ जाती है, यानी मौत की घड़ी आती है, तो उसको दुखी देख करके, उसको परेशानी देख करके उसके प्रेमीजन परिवार वाले अंत में यही कहते हैं कि इस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए जरूरी है कि भगवान इसको मौत दे दे। यहाँ सखी भी कुछ यही भाग नायिका के लिए दूती
यही भाव व्यक्त कर रही है और इसके साथ ये भी बताना चाहती है कि यहाँ पर ईश्वर उसको मौत दे दे। इसके पीछे व्यंजना यही है कि वह नायक उस नायिका से जाकर मिल ले ताकि उसकी दुखों की घड़ी खत्म हो जाए। दूसरी बात यह है कि नायिका के सखी द्वारा नायक पर आक्षेप किया गया है कि वह इसके प्राणों के स्वामी होकर भी उसकी रक्षा क्यों नहीं कर रही। ये भी कहना चाहती है भाई ऐसी स्थिति में उसको है, आप उसकी रक्षा क्यों नहीं करते, आप तुरंत जाओ उससे मिलो। इस छंद में श्लेष रूपक एवं परिकरांकुर अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। और अगला दो छंद है वो देखिए, पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चौपास, नित्य प्रति पुण्योय रहे आनन ओप उदास। पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहुपास, नित्य प्रति पुण्योय रहे आनन ओप उदास। ही का अर्थ में ही, पत्रा यानी पंचांग है, तिथि यानी तिथि बार है, ओप का अर्थ छवि से है और उदास का अर्थ मतलब आलोक से है, नित्य प्रति यानी हमेशा और आनन का मतलब मुख है। यहाँ कवि बिहारी नायिका के मुख सौंदर्य के अतिशय चित्रण करते हुए कहते हैं और नायिका की जो सखी है नायक से उसके मुख की प्रशंसा करती है और ताकि नायक का जो मन है वो नायक के प्रति आकर्षित हो जाए, किसी और के प्रेम में संलग्न नहीं हो। इसलिए वो ये आश्वस्त करना चाहती है कि जिस नायिका से उसने प्रेम किया है वो सभी तरह से उसके लिए उपयुक्त है। इसलिए कहती है कि उसका जो मुख है वो पूर्णिमा के समान प्रकाशित है, जिसकी छवि के प्रकाश से उसके घर के आसपास नित्य पूर्णिमा ही की भ्रांति बनी रहती है। लोग उस इलाके के लोग, उस मोहल्ले के लोग अगर कभी तिथि वार देखना चाहते हैं तो ऊपर आकाश में चंद्रमा की स्थिति देख करके वो नहीं बता सकते, क्योंकि उस नायिका का जो मुख है वो हमेशा चंद्रमा की तरह प्रकाशित होता रहता है, वो भी पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह, तो हमेशा वहाँ पूर्णिमा ही बनी रहती है। तो अगर किसी को मुहूर्त देखना हो, तिथि वार देखना हो, त्यौहार देखना हो तो सिर्फ पंचांग से ही देख करके तिथि का ज्ञान होता है, ऐसी है वो नायिका। इस दोहे का जो भाषा सौंदर्य है उसकी दृष्टि से विचार करें तो इसमें परिसंख्या तथा काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है। दूसरी बात यह है नायिका के मुख सौंदर्य का अतिशय वर्णन होने से अतिशोक्ति अलंकार दृष्टि हुए है और भ्रांतिमान अलंकार भी इस दोहे में देखने को मिलता है। और दोहा छंद है और अगला छंद देखिए क्या कहते हैं, निसी अंधियारी नील पटु पहरी चली पिए गे, कहो दुराई क्यों दुरे दीप सिकासी दे। निसी अंधियारी नील पटु पहरी चली पिए गे, कहो दुराई क्यों दुरे दीप सिकासी दे। निशी का मतलब रात से है, अंधी यानी अंधेरी रात है, नील पटु यानी नीला वस्त्र धारण कर रखा है, है ना, चली पिए गए यानी अपने प्रिय एकदम से मिलने के लिए उसके घर जा रही है। और तो इसलिए इस दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि नायिका जो है रात्रि में अभिसार के लिए जा रही है और उस समय उसका जो सौंदर्य है उस सौंदर्य का चित्रण यहाँ कवि किया है। अभिसार का तात्पर्य यहाँ नायक से मिलन का है और इसलिए नायिका अपने प्रिय से उत्तम के घर उससे मिलन के लिए जा रही है। किस प्रकार के वस्त्र धारण कर रखे हैं, कैसी रात्रि है और वो कैसी लगती है, ऐसा चित्रण कवि इस छंद में कर रहे हैं। देखिए, एक सखी अपने प्रियतम के पास अभिसार करने वाली नायिका को देखकर दूसरी सखी से कहती है कि वह उस अंधेरी रात में नीली साड़ी पहनकर अभिसार के लिए प्रियतम के घर की ओर चली जा रही है, किंतु वह बड़ी मूर्खा है कि तू ही बता भला उसकी दीप सिपा के दीप सिखा यानी दीपक की लोह के समान प्रकाशित होने वाली देह इस अंधेरे में छिपाने से कैसे छिप सकती है। यानी वो नायिका जो है वो जा रही है अपने प्रियतम से मिलने के लिए और अंधेरी रात में जा रही है ताकि उसको जाते हुए कोई देखे नहीं, क्योंकि कोई देखेगा तो उसकी उसके परिवार वालों की बदनामी हो गई, इसको छिप करके जा रही है। पर उसकी सखी ने उसको देख लिया और वो कह रही भला वो तो सोचती उसको कोई नहीं देखेगा,
पर तू बताओ उसकी तो उसका जो सौंदर्य है, उसके शरीर का जो सौंदर्य है वो दीपक की लोह की भांति जगमग करने वाला है। और तो भला ऐसी अंधेरी रात, कैसी भी अंधेरी रात क्यों न हो, भला उसका शरीर का सौंदर्य कैसे छिपेगा, जैसे कि उस नीले वस्त्र धारण कर रखे हैं और उस नीले वस्त्रों से उसके शरीर के सौंदर्य की जो आभा है और अधिक प्रकाशित होने लग गई है। इसलिए वो तो दीपक की लोह की भांति जलती है, सबको स्पष्ट दिखाई दे रही है। उसका यह प्रयास सारा व्यर्थ चला गया कि वो छिपकर जा रही है। यहाँ काव्य सौंदर्य की दृष्टि से व्याख्या, उसकी भाव भाषा शैली की दृष्टि से देखें तो दोहा छंद है और कवि ने यहाँ मुग्धा नायिका के शारीरिक सौंदर्य का चित्रण किया है और उपमा तथा विशेषोक्ति अलंकार विशेष रूप से इस दोहे में दृष्टव्य हैं। और बस आज इतना ही, शेष अगले दोहे अगले वीडियो में। इसके साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप वीडियो से जुड़े रहें और इसको लाइक करते रहें, और कोई आपके कमेंट्स हों तो आप मेरे व्हाट्सएप पर या मेरे फ़ोन पर सीधे बात करके मुझसे सुझाव ले सकते हैं, या अन्य कोई आपकी कोई जानकारी लेनी हो तो आप पूछ सकते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।